हेलो जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और स्वागत है आपका मैं एक नए व्लॉग में। एक नए दिन की शुरुआत हो गई है और कल की बारिश के कारण ना ऐसा ही होता है। जब बारिश होती है तो उसके बाद मौसम पूरा क्लियरली खुल जाता है, क्योंकि जो धूल नमी पूरा पॉल्यूशन इकट्ठा होता रहता है ना नेचर में, मतलब हवा में, तो वो पूरा क्लियर हो जाता है बारिश से। और उसके बाद मौसम इतना क्लियर हो जाता है कि सारी जगह फ्रेशनेस आ जाती है। और मैं इधर देखिए, ऐसा लग रहा है गेहूँ के जो खेत है ना, बिल्कुल उन पर ओस की बूंदें अटकी हुई है, और वो इतना बढ़िया लग रहा है ना देखने में। और हल्की हल्की हवा चल रही है ना, तो ऐसे लहरा रही है, तो इससे मतलब ये अलग ही हो जाता है। जब कभी भी बारिश होता है ना काफ़ी दिनों बाद, तो ये अलग ही मौसम बन जाता है। और कल तक ये देखा, ये लहसुन का खेत कल तक पूरा मुरझा गया था ये, और आज फिर उस पर जब पानी पड़ा तो फिर खड़े हो गए। और अगर आप गाँव में रहोगे ना, तो एक चीज़ फील करी होगी आपने, जैसे उठो ना तो एक मिट्टी की खुशबू आती है बारिश के बाद ना, एक हल्की मिट्टी की खुशबू आती है, तो इतनी मतलब पूरा ऐसा लगता है कि कोई परफ्यूम उड़ा रहा है, इतनी बढ़िया खुशबू आती है। और आज सुबह दादी भी चली गई है, दादी गई कल, आपने लास्ट टाइम पर देखा होगा, मतलब भाई आ गया था, मैंने ब्लॉग ख़त्म कर दिया था। और आज सुबह दादी चली गई, और दादी के मतलब बहुत उत्साहित थी दादी, पता नहीं क्यों, लेकिन बुआ से मिलने के लिए ना बहुत एक्साइटेड। तो सुबह 6:30 का टाइम दिया था ड्राइवर ने कि 6:30 बजे तक वो गाड़ी लेके आ जाएगा, लेकिन दादी 3:30 बजे से तैयार होने लग गई थी। 3:30 बजे उठी दादी, और मैं उठा, मैं टाइम देखा, क्योंकि मैं अलार्म लगाया हुआ था कि दादी को उठा दूंगा। दादी 3:30 बजे उठ गई थी, मैं बिस्तर में, दिमाग ख़राब कि दादी ये क्या कर रही है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं करने, तो दादी फिर तैयार हुई अपने पर्स, दादी की पर्स छुपाने की निंजा टेक्निक देखो, दादी के हमेशा काम ही ऐसा है, ऐसे ऐसी जगह छुपाती है ना, ढूंढ नहीं पाओगे तुम कभी। इस पृथ्वी पर सभी लोग जीवन यापन करने के लिए आए हैं, सभी लोग पेट भरते हैं, खाना खाते हैं। इसके ना इसके अलग ही नवाबी शौक है, कसम अभी दिखाने ये इतना अजीब आदमी है ना ये, वो पता नहीं वहाँ पोखरी में क्या 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 ही करता है। वो खाना खाता है ना, जब भी खाना खाता हर चीज में कच्चा दूध मिलाता है। ये चावल खाएगा तो कच्चे दूध के साथ, सब्जी में हरी सब्जी बनाई हुआ मैंने, उसमें उसने कच्चा दूध डाल दिया। इसके अलग ही नवाबी ख्याल है, ये पता नहीं पागल पागल टाइप का ये मेरे को लग रहा है। उसको बोला रोटी खा ले, उसने सब्जी में दूध मिला रखा है और वो खा रहा। वो दिखा ये फोड़े ही नहीं क्या बताएं यार, इमान क्या करनी है तो खा लो, इमान क्या बोल ना तो ते कैमरे ले ना, मैं तेरे दांत वाला बहुत सी ऐसी चीज है ना मुझे मुझे अपने भाई से सीखनी चाहिए। दिमाग खराब हो गया बहुत सी चीजें ऐसे सीखनी चाहिए। देख रहे हो एयरबड्स, सही बताओ ना, तो आज तक मुझे ना, दिल से बताता हूँ, आज तक मुझे ना किसी ने एक सुई का तागा भी गिफ्ट नहीं करा है, सुई का तागा। इसके पास ना इतना हेडफोन है, इतना हेडफोन है, एक 34,000-4,000 का एयरबड्स इसे को गिफ्ट करा हुआ है, जूते थे इसके पास, इसको हेडफोन थे। मैंने इसको बोला पिछले टाइम कि मेरे को हेडफोन दे दे, इसने मना कर दिया, ठीक है। और इस बार वो लेके आया, एयरबड्स लेके आया, अब मेरे को बोल रहा तो हेडफोन रख दे, एयरबड्स रख दे, एक चीज रख दे। तो इतना गिफ्ट है इनके पास, और हमें किसी ने आज तक सुई का धागा तक गिफ्ट नहीं करा हुआ है। क्या दिया तुम्हें बुआ, क्या दिया तुम्हें बोले क्या हो फिलहाल आज का काम ये है कि हमें इनसे जो इधर से छत खोल के ये पट्टे निकाले थे ना, तो इनसे कीले निकालनी है, और इनको ना नीचे स्टोर रूम में रखना है। तो पहले इनसे कीले निकालनी है, क्योंकि बाद में अगर वो प्रॉब्लम करेंगे, कभी स्टोर रूम में जाएंगे ना तो पैर में चुभ जाएंगे, तो इनसे सारे से पहले तो कीले निकालेंगे।
और इनको निकालने का प्रोसेस बता देता हूँ मैं आपको। ये इसको बोलते हैं जिमोरी, इसका बस का तो नहीं है रहे। क्योंकि ऐसे नहीं निकालते हैं कि निकाल देते तन ये कप ने मु दांग नहीं ना बोलो ये दे अब रुक 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 जोग ना निकल ही दियो अब ये दे अभी और नहीं निकाल नहीं पकड़ेगा कटा करी तुझे। इनको निकालने का प्रोसेस होता है ऐसा, ये पकड़ो उसका नीचे का दबाओ पे चल ले दांग दो टेप पे छोड़ मैं कभी कभी नहीं निकालता थोड़ा वो करना पड़ता है फोर्स लगाना पड़ता है तो फिर इसको नीचे से पकड़ो खींच लो टक। पहले यो चीज बताओ मिंदा ब्याह वीडियो कमरे से मार्क्स हम ओप कमरे से अभी दिन का लंच का टाइम हो गया और मैं इन्हीं से मतलब इनसे पूछ के इस दिल को संतुष्टि पहुंचा देता हूं क्योंकि ये तो तारीफ करेंगे करेंगे और ये बस बोलते हैं बढ़िया थी और फिर मेरे को क्योंकि आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो कमेंट करोगे तो फिर आप इनसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये बोलते भी नहीं है लेकिन मन मारते मारते बोल देते हैं हाँ ठीक ही थी हाँ बढ़िया थी वही बस दूध नहीं देता मार्क्स हम देखो फिर इसकी पता नहीं क्या हैबिट बन गई है कच्चा दूध देखो इसमें भी मिला दिया इसने कच्चा दूध तो फिर आज का ब्लॉग भी हम यहीं पे खत्म करते हैं कब मिलेंगे फिर और आपसे जल्दी कल मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में और अब तो होली के ब्लॉग आएंगे होली में हम कैसे एंजॉय करते हैं वो दिखाएंगे आपको और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना सब्सक्राइब भी करना चाहो क्या बोलना चाहेंगे आप कोई फर्स्ट टाइम आई वन प्लस का फोन दे रहा है तो दे दो 12,000 फोन हो गया इसका खराब तो इसको दिलाएंगे जल्दी दिलाएंगे तो मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।